तो दोस्तों, अभी तक बस आपने हॉलीवुड के फिल्मों में ही यूनिवर्स जैसी बातें सुनी होगी, पर अब हमारे इंडियन सिनेमा में भी फिल्म के कई सारे यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन सिनेमा के कुछ यूनिवर्स, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन सिनेमा में भी सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। तो कौन कौन सी फिल्में उस सुपर हीरो यूनिवर्स में, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर वन पे है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। अभी तक लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की दो फिल्में आ चुकी है, जो की है विक्रम और कैथियर। ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्में थालापति 67, जो कि एक गैंगस्टर की कहानी होगी, कैथी 2 और विक्रम का सीक्वल भी हमें इसी यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। कैथी 2 में हमें रोलेक्स का भी रोल देखने को मिलेगा, और शायद रोलेक्स पे भी एक स्टैंड अलोन फिल्म आ सकती है इस यूनिवर्स में। नंबर 2 पे है YRF की स्पाई यूनिवर्स। यशराज फिल्म भी अपना खुद का एक यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें अभी तक 3 फिल्में आ चुकी है। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म थी एक था टाइगर, जो कि 2012 में आई थी। दूसरी फिल्म थी टाइगर जिंदा है, और तीसरी फिल्म थी वॉर। इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्म है पठान, जिसमें हमें एसआरके लीड रोल में दिखेंगे, और सलमान खान का इसमें एक्सटेंडेड कैमियो होगा एज ए टाइगर, जो कि पठान को बचाएगा। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। इस यूनिवर्स की बाकी फिल्में हैं टाइगर 3, जो कि टाइगर सीरीज का पार्ट है, वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन होंगे, और ये वॉर का सीक्वल होगी। एक और बड़ी फिल्म आ सकती है, जिसकी कहानी आदित्य चोपड़ा लिख रहे हैं, और इसमें हमें सलमान और शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। अगली यूनिवर्स है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। प्रोड्यूसर दिनेश विशांज भी खुद की एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसमें अभी तक 2 फिल्में आ चुकी है, स्त्री और रूही, जिसमें स्त्री 2018 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, और रूही ने भी एवरेज कमाई की थी। इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है भेड़िया, जिसमें हमें वरुण धवन और कृति सैनन देखने को मिलेंगे, और यह फिल्म इसी साल रिलीज होगी। इसके बाद एक और फिल्म आएगी, जिसकी कहानी एक वैम्पायर के ऊपर होगी, और इस फिल्म में हमें आयुष्मान खुराना दिखेंगे। ऐसा रोल आयुष्मान खुराना के लिए भी काफी नया है, और स्त्री 2 भी आएगी इसी यूनिवर्स में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस यूनिवर्स के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चौथी यूनिवर्स है KGF यूनिवर्स, और यह यूनिवर्स कितना ज्यादा पॉपुलर है हम सबके बीच, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस यूनिवर्स में अभी तक 2 फिल्में आ चुकी है, KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2, और ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। KGF मार्वल जैसा ही खुद की एक यूनिवर्स बना रही है। इस यूनिवर्स की आने वाली फिल्में है सलार, जो कि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म में हमें प्रभास के साथ श्रुति हसन देखने को मिलेंगी, और यह फिल्म 23 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। इस यूनिवर्स की अगली फिल्म है बगीरा, जिसमें श्री मुरली एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यह फिल्म 2023 तक आएगी। अगली फिल्म है NTR 31, जो कि जूनियर NTR की 31 फिल्म है एज ए लीड एक्टर, और यह फिल्म 2024 तक आएगी। अगली फिल्म है KGF चैप्टर 3, जो कि इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म होगी, और यह फिल्म 2024 या 25 तक देखने को मिलेगी। और आखिरी यूनिवर्स है प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो यूनिवर्स। आउट डायरेक्टर प्रशांत वर्मा खुद की एक सुपर हीरो यूनिवर्स बना रहे हैं, जो कि इंडिया का पहला सुपर हीरो यूनिवर्स होगा, और इस यूनिवर्स में अभी तक एक भी फिल्में नहीं आई हैं, पर इसी साल इस यूनिवर्स की एक फिल्म रिलीज होगी, जो कि है हनुमान, जिसकी अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, पर यह फिल्म हमें इसी साल देखने को मिलेगी। यह फिल्म एक हेवी VFX वाली फिल्म होगी, जिसमें हम हनुमान जी की कहानी दिखाई जाएगी, और यह एक सुपर हीरो फिल्म होगी। इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म होगी अधीरा, जिसका टीजर भी हमें देखने को मिल चुका है, और टीजर देखने में काफी सही लग रहा है, और यह फिल्म हमें 2023 तक देखने को मिलेगी। इस यूनिवर्स की सारी फिल्में पैन इंडिया फिल्म होगी। इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों का नाम अभी तक नहीं बताया गया है। तो आप एक्साइटेड है या नहीं इंडिया की सुपर हीरो यूनिवर्स को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।